The taste of victory. आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज सच के साथ लगातार। लखनऊ की मुख्य खबरें विस्तार के साथ। आप लोग भी मेरा एक ये छोटी सी जगह देखिए, क्योंकि यहाँ पे रूम थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह जितना मुझसे हो सकता है आप लोगों को करना है। मैं ये 5 साल के बच्चे सिर्फ घर में खेलते रहते हैं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई स्कूल नहीं, कुछ नहीं। तो उसी के साथ में जाकर के आप वहाँ पर उन लोगों को भी थोड़ा टाइम दें, आप जिसके इसके पास टाइम हो मेरे साथ रह करके, क्योंकि मैं संडे और थर्सडे को जाने की अब नेक्स्ट मंथ से शुरुआत हो कर रही हूँ, और जा करके सब मेरे साथ में चल करके उन सबका मनोबल बढ़ाएं बच्चों का। और इसी तरीके से एक प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, सहकार भारती एक संस्था है, उसके थ्रू भी एक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें आप नॉन एजुकेटेड लोग हैं, जो गरीब घर की महिलाएं हैं, वो कुछ भी नहीं करती हैं, एक छोटे छोटे से अनाथ है, ये सबकी ट्रेनिंग मैं खुद कराती हूँ, और करा करके उनको एक लघु उद्योग दे करके उनका भी रोजमर्रा की जिंदगी को हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सके और स्वावलंबी बना सके। हम और आप अगर चाह लें तो पुरुष हमारी सुनता है, हम और आप अगर चाह लें तो पुरुष हमारी सुनता है, एक छोटा सा काम हमसे रह जाता है। वो काम क्या है, हम बच्चों को एजुकेशन बहुत अच्छी देते हैं, उनको खान पान बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन वो किस सर्कल में बैठ रहे हैं इसका ध्यान नहीं देता है। कहते हैं कि बच्चे मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं, अरे भाई वो जा रहे हैं जाने दीजिए, लेकिन हमारा काम क्या है, उनको अपने धर्म से ना वंचित होने दें, क्योंकि जब वो धर्म से भटकते हैं तो वो क्या करते हैं, कहीं लव जिहाद का शिकार हो जाते हैं, कहीं माँ बाप से अग्रेसिव होकर माँ बाप को ही जवाब देते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम घर का माहौल ऐसा बनाए कि मेरे बच्चे मुझे जवाब भी ना दें। सम्मान करते हैं कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत के जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। बात मेरे बारे में बहुत थोड़ी सी होती है, ये आपका प्यार है क्या उसको। सम्मानित मंच मंच पर उपस्थित हमारी बड़ी दीदी और इस बालाजी महासभा की करता रहता महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जया दीदी, हमारी आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे बड़े भाई जिनके व्यवहार से, जिनके सोच से मैं बालाजी से जुड़ा। बहुत समय हो गया मुझे बालाजी से, शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरा आना जाना कम रहता है, कुछ व्यस्तताएँ हैं, लेकिन सैलू भाई की सोच से मैं जुड़ा था, और वो सोच इसमें कायम रहे उस पर हम लोग गर्व फील करते हैं। तो इस वजह से मैं भैया का सम्मान करता हूँ, और मैं बधाइयाँ देता हूँ कि शैलू भैया दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और हम सब मातृशक्ति आपके साथ में है, बालाजी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ। आज